और जो जो श्री श्री भगवान मैं श्रद्धा हूँ और उनका वेलकम करता हूँ। अपने अपने मैं खालत डीडीसी दूंगी, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि सलर से जो जोड़ियां आ रही हैं बैलों की वो यहां पे पहुंचने में उनको सीधा बार 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 ये देखो बिच्छू की जड़ियां नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं अतुल गुप्ता। आज हम मौजूद हैं ब्लॉक डुंगी में, हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है मोहम्मद खालिद चौधरी जी जो यहाँ के डीडीसी हैं। इन्होंने आज यहाँ पे एक बुल रेसिंग दंगल जो है रखाया है, हम इनसे बातचीत करेंगे। ये दंगल हर साल रखते हैं या पहली बार रखाया गया है या काफ़ी समय के बाद यहाँ रखाया गया है, इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं यहाँ के डीडीसी खालिद चौधरी जी। खालिद चौधरी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया, शुक्रिया आपका। खालिद जी, बताएं कि यहाँ पे जो आज आपने दंगल रखाया अपने ब्लॉक में, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया पर्सन का, और सबसे पहले मैं आज इस आवाम का अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मैं बीजी से स्टार्ट करता हूँ और थाना मंडी, मंजा कोट और डूंगी नाला और अतराल, परोड़ी, पीड़ी, डन्ना और कहाँ पे है बुतल और काला कोट पूरी और नशारा सुंदरमनी और ये जो चंगड़ लाम, ये पूरा एरिया की बाउंड्री है हमारी डिस्ट्रिक्ट रजौरी की। और यहाँ पे मेंढर से भी, पुन से भी बड़े लोग आए हैं मेरे जलसागाह में। और मैं सबसे ज़्यादा आज इस दंगल का और जो मेरी ये फुल रेस का जो आज मैंने रखा है, ये 2019 से मैंने जारी रखा है, हर साल मैं ये दंगल करता हूँ और मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह तो मैं हर वक्त ये जो अवेयरनेस है लोगों को दूंगा और इससे लोगों को लगेगा कि आज से 40 साल पहले और 50, 60, 70 साल पहले ये हमारे बुजुर्ग जो लोग होते थे, ये ऐसे काम जिम्मेदारी पे इनको लोगों को शौक होती, जो हमारे पुराने लोग हैं, जब ये दिनों दिन हमारा माहौल अब चेंज हो रहा है बच्चों का, तो ये चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो मैंने इसको ज़िंदा करने के लिए और लोगों को अवेयरनेस करने के लिए कल फ्यूचर के अंदर, तो मैंने ये दंगल, तारीखी दंगल आप देख रहे हैं, और 100 से ऊपर जोड़ियां जो हैं बैलों की हैं, जो फुल रेस में अभी काम स्टार्ट किया गया, अभी जो हमें लगा दी हैं जोड़ियाँ ज़मीन को बने पर। और सबसे ज़्यादा मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जी, इन लोगों का दिल, और मुझे लगता है कि आज 20,000 को ये लोग क्लास कर देंगे। अभी मुझे लगता है कि मेरे आधे लोग जो हैं वो आ रहे हैं रास्ते से, मुझे बार बार कॉलें आ रही हैं
और खालिद साहब आप हमारा इंतज़ार करें और तब आप दंगल की शुरुआत करें। और मुझे लगता है कि आज इस इलाके में जो आवाम है ये मिट नहीं पाएगी, और इलाका भी मेरा बहुत लंबा चौड़ा है और वो आपको खुद ही शाम को बताना पड़ेगा मीडिया वालों को कि कितनी बड़ी आवाम थी। बोला जाए तो ये एक बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पे आए दिन शेलिंग ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, यहाँ के लोग जब शेलिंग होती है परेशान होते हैं। क्या इस दंगल करवाने से लोगों का कितना मनोबल बढ़ेगा? मैंने कह दिया जनाब के जो ये हमारे बुज़ुर्ग लोग यहाँ पे आए हैं, और अगर 20,000 लोग यहाँ पे आज इस जलसा गाह में हैं तो मुझे लगता है कि 1 करोड़ लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा कि जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, मेरे भाई हैं, हर घर में बात करेंगे और हर बंदा जो है वो अपनी जिम्मेदारी पे काम करेगा। जिम्मेदारी करने से इंसान को 1,000 बीमारी ख़त्म होती है और पूरी जो है वर्जिश होती है इंसान को, चलने से, जिम्मेदारी करने से इंसान को बीमारी नहीं लगती है, और मुझे लगता है कि इससे पूरी कौम को बहुत फ़ायदा होगा। देख रहे हैं हम इन दिनों जो यंग जनरेशन है वो नशे की तरफ जा रही है, ऐसे प्रोग्राम करवाने से क्या ये यंग जनरेशन इस तरफ वापस आ जाएगी? जो आपने सवाल पूछा है बड़ा अहम सवाल है, जो हमारे बच्चे हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं, और मैं अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को ये कहता हूँ कि इस नशे से बच के रहें और ऐसे ऐसे काम करें, जिम्मेदारी करें, अपनी खेती बाड़ी करें जिसमें आपका दिल लगा रहे, और आपको ये जो नशे वाला काम है ये आपके दिमाग में ये जब बैठ जाएगा तो उससे बड़ी बात है कि आप छूट नहीं पाएंगे इससे। और मुझे लगता है कि ये इस दंगल से हमारे दोस्तों को और मेरे बच्चों को और पूरा फ़ायदा मिलेगा इस जलसा का। आप यहाँ के DDC हैं, इसके नाते क्या आप चाहते हैं आने वाले वक्त में आप वक्तन वक्तन कोई ना कोई बच्चों के लिए ऐसे टूर्नामेंट करवाएं यहाँ के बच्चों के लिए, जो बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ नशे की लत की तरफ ना जाएं और ये अपने खेल कूद की तरफ ध्यान दें? देखो जी, मेरी शौक़ जो है DDC बनने की तभी थी कि मेरे दिल में ये शौक़ थी कि मैं अपनी कौम के लिए काम करूँ और पूरी जुड़ के इनके लोगों के काम करूं, और मैं इन लोगों के लिए बड़े बड़े काम कर रहा हूं, और मेरा जितना भी मेरे से और मैं कर रहा हूं, और मैं जो प्लेग्राउंड की आपने बात की है और मैंने बनवाई हुई हैं, और मैं इंशाल्लाह इस प्लान में मैंने रखे हैं, और आगे नेक्स्ट भी मैं ये इन चीज़ों के ऊपर बड़ा ध्यान रहूँगा जिस पर मेरे दोस्त और मेरे बच्चे जो हैं हमारे वो सारे क्या करें कि अपने ग्राउंड में खेलने बलने की जो जगह होती है उसमें बच्चों को बड़ा फ़ायदा मिलता है। प्रोग्राम जो है वो बॉर्डर के इलाके में रखा गया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, इन ये जो दंगल हैं ये बेसिकली एग्रीकल्चरलिज्म को प्रमोट करने के लिए हैं। बड़ी अच्छी एक शुरुआत है, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। यहाँ जो लोग ज़िम्मेदारी के साथ जो ताल्लक़ रखने वाले लोग हैं उनकी हौसला अफजाई होती है, इससे एक शौक बढ़ता है। लोग ज़िम्मेदारी को मतलब तर्क कर गए थे, मेजॉरिटी ऑफ दी पीपल जो हैं आप देखोगे कि ज़मीनें बंजर पड़ी हैं, तो इससे एक लोगों को शौक पैदा हुआ। मुझे अच्छा लगा, मैं पहली बार यहाँ आया और मेरा लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस है कि किसी दंगल में, इस किस्म के ज़िम्मेदारी के दंगल में जहाँ बैलों को दौड़ाया जाता है ज़मीन के अंदर, मैंने पहली बार देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के जो DDC चेयरमैन साहब और BDC चेयरमैन और DDC के मेंबर हैं खालिद साहब और रियाज साहब, ये इनके तावन से यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, मैं इनको मुबारक पेश करता हूँ। यहाँ के पंच सरपंच दूर दराज से लोग आए हैं, मैंने देखा यहाँ ककोड़ा के सरपंच बैठे हैं, यहाँ थाना मंडी के सरपंच बैठे हैं, ककोड़ा के सरपंच रियाज साहब बैठे हैं। हर इलाके से, मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट रजौरी में कोई एरिया ऐसा नहीं है। कुछ लोग कामयाब भी हुए हैं, कुछ नाकाम भी हुए। देखो, नाकाम कामयाब होना कोई मसला नहीं है, मसला पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट किया उससे लोगों की हौसला अफजाई हुई, सबसे अहम बात ये है कि जिम्मेदार लोगों की हौसला अफजाई हुई। क्या राजौरी कुंज में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए? बहुत ज़रूरी है, ये लोगों को बेदारी भी होती है और इनकर्जमेंट भी मिलती है। जिस तरह से युवा लगातार खेती को भूलता जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे इवेंट जो है इनकरेज करेंगे? मैंने शुरू में ही आपको कहा कि खेती को लोग तर्क कर चुके थे और खेती ही हमारी जो यहाँ का जरिया माश है। प्रोग्राम जो है वो रखा है यहाँ पे, हज़ारों की तादाद में लोग भी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप तमाम मीडिया पर्सन का, मैं जोरी डिस्ट्रिक्ट का मीडिया पर्सन है, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती समय निकाल कर और इसके जो इस दंगल का अंजाय लिया और पूरी मैसेज दिया एक जिम्मेदार तबका को। मेरे कहने का हमारा मकसद यही था, इस दंगल को 3 साल से हम करवा रहे लगातार, उसका रीज़न यही था कि जिम्मेदारी को सबसे हमारे इस डिस्ट्रिक्ट रजौरी पूंछ के अंदर सबसे मैंने देखा था ज़्यादा, और ब्लाक ढूंगी के अंदर लोग जिम्मेदारी छोड़ चुके थे,
लोग नशे में और ड्रग्स में नौजवान जंग जो हैं वो मसरूफ हो चुके थे और बहुत सारे लोगों की शिकायतें आती थी, जनाब मेरा बच्चा नशे के में हालात में है, कोई व्यापार कर रहा था, कोई व्यापार। उसके सिलसिले में हमने उस सब चीज़ों को रुकावट देने के लिए ज़िम्मेदारी को अपग्रेड करने की कोशिश की कि सबसे लोग ज़िम्मेदारी में जुट जाएंगे, अपनी खेती बाड़ी में जुट जाएंगे और एक साल का जो अपना फसल है अपने घर के लिए एक साल का जो है आराम से ये लोग हमारे ज़िम्मेदार जो हैं आगा कर अपने घर में अपनी बाल बच्चे के लिए रोज़ी रोटी का सिलसिला एक जो जारी होगा पूरे ब्लाक में, वो एक मैसेज और पूरे ब्लाक में एक अवेयरनेस देना चाहते थे कि हम ये एक जो हमारे युवा है जो यंग लोग हैं हमारे ये बहुत सारे चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके थे। हमने ये कोशिश की कि जो हमारा युवा है वो ज़िम्मेदारी करे और मेहनत करे और लोग जो मेहनत करनी छोड़ गए थे हमारे 50 रुपये 40 रुपये जो बोधे चावल हम खा रहे थे पंजाब के, हम ये चाहते हैं हमारी जो जनरेशन है वो हर साल अपना आगा कर फ्रेश जो अपना अपने लिए आगा कर जो खाए तो मैं कहता हूँ वो एक उनकी सेहत के लिए सूटेबल है और पूरी जम्मू कश्मीर के लिए ये मैसेज है और रजौरी कंस्टिट्यूंसी के लिए और डिस्ट्रिक्ट रजौरी की आवाम को मैं इससे अवेयर करता हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हम सब लोग ज़िम्मेदार तबका से हैं और मुझे लगता है इस बार जो ज़िम्मेदार लोग हैं या जो किसान आंदोलन होता था पंजाब में वही किसान आंदोलन जो है ये रजौरी पुंछ में और खासकर आपने कहा कि हम पिछले 3-4 साल से ये प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं, तो क्या ऐसे प्रोग्राम में कुछ इनामात भी रखे होते हैं? देखिए इनामात जो हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड वो सबको हम किसी को नाराज़ नहीं करते, जो इस अखाड़े में कामयाब भी नहीं होता उसको भी हौसला अफजाई करके भेजते हैं, किसी को नाराज़ नहीं करते हम सबको प्राइज़ देते हैं, सबको गाड़ियों का जो उनका जो खर्चा है उनको रेंट है वो भी उनको देते हैं, जो लाते हैं बेनिफिशरी अपने इस दंगल में अपने बैलों को उनको अफसा अफसाई करते हैं, उसी वजह से हर साल लोग आते हैं और इसी ज़मीन से जो हम फसल लगाते हैं वो तमाम इसी दंगल पे लगाते हैं। कहूँगा एक बड़ा तारीखी प्रोग्राम था जो चौधरी अब्दुल खालक साहब जो हमारे DDC मेंबर टोंगी है उन्होंने इस प्रोग्राम का अहतमाम किया था और मेरे ख्याल में पूरे डिस्ट्रिक्ट और बल्कि 2-3 डिस्ट्रिक्ट से लोग हमारे दूर दूर से यहाँ पे आए थे अपने बैल को लेके, और मैं कहूँगा कि जो आज दंगल यहाँ पे हुआ बड़ा कामयाब दंगल रहा और बेसिकली ये किसान मेला था ताकि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनके अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो कि भाई एग्रीकल्चर की कितनी बड़ी अहमियत है, हॉर्टिकल्चर की कितनी बड़ी अहमियत है और हमारे जो बाप दादा थे जिन्होंने इस कल्चर को आज तक चलाया है तो इस कल्चर को आगे हमने जो है वो चलाना है, असली मकसद जो था वो इसका ये था। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया, हज़ारों की तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, बहुत शौक से लोगों ने दूर दूर से अपने बैल लेके गाड़ियाँ लेके यहाँ पे पहुँचे, तो मैं ये कहूँगा कि चौधरी अब्दुल खालक साहब शायद तीसरा या चौथा साल है उनका ये अपना जो प्रोग्राम है इसको अंजाम देते हुए, तो बड़ा अच्छा रहा। बिल्कुल आइंदा आने वाले वक्त में भी ऐसा, और मैं कहता हूँ कि रजौरी पुंछ के अंदर तो माशाल्लाह हर जगह ऐसा होता है लेकिन ये जो बॉर्डर का आज दंगल था ये सबसे बड़ा दंगल था मेरे ख्याल में, और मैं कहूँगा कि 100 से ऊपर जो जोड़ियाँ हैं बैल की उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेशन की है और लोगों ने इंजॉय भी बड़ा किया, हमने भी बड़ा इंजॉय किया है, तो मैं कहूँगा कि इस किस्म के प्रोग्राम होने चाहिए, ये एक रूरल एरिया की इंजॉयमेंट है। मैं कहूँगा हमारे कहते हैं कि फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस, जो लोग आज नाकाम हुए हो सकता है अल्लाह करे अगले साल वो कामयाब हो जाएं, और जो इस साल कामयाब हुए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। यहाँ के अपने DDC साहब हैं अब्दुल खालिक साहब, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने आज 3-4 साल से ये लगातार ही उन्होंने मुसलसल किसानों का मेला रखा हुआ है जिससे आम लोगों को ये शोक बढ़ जाती है कि ज़मींदारी जो छूट की थी वो अब हमने कैसे पढ़ के वापस अपने काबू में लानी है, और लोग जो हैं इसमें अच्छे ख्वाहिशमंद हैं, वो दूर दूर से लोग आए हैं वो देखना चाहते हैं, आगे भी इंशाल्लाह लोगों का ये दिल जो खुल गया है वो ये भी लोग सोचना चाहते हैं, जैसे मेरे कुछ लोग भी हैं वो भी कहना चाहते हैं हम भी अच्छे अच्छे पैर रखेंगे और लोगों का जो हौसला अफजाई देंगे। मैं आपके माध्यम से तकरीबन के लिए इनामात रखे हुए इनामात तो यहाँ DDC साहब ने कम से कम 100 जोड़ी के लिए 100 मतलब झुंड है उसके लिए इनामात रखे गए हैं, मगर जो खाली जो नहीं भी हैं इनका जो ये तरीकाकार है इससे पहले चलता आया है तो वो इसमें क्या है जो खाली बैल ज़मीन में है उसका भी कुछ ना कुछ इनाम देकर चले क्योंकि गरीब परवरी इनके पास बहुत है। बाकी मैं इनका शुक्रिया अदा और आपके माध्यम से मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लोगों को अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे मेले रखने चाहिए, ऐसे जाता हूँ खासकर युवा जो है खासकर यूथ जो है इस वक्त का, क्योंकि जिन लोगों की गलत सोसाइटी है
वो लोग इस चीज में ज्यादा तवज्जो देना चाहते हैं और उनका जो मोशन है वो वहां से तब्दील होकर इस मोशन की ओर झुका है। ये यूथ के लिए जो है ना वो सबसे अच्छी बात है कि ये जो दंगल लगाना है ये जिम्मेदारी के लिए बहुत अच्छा है। लोग दूर दूर से आते हैं, आप खालिद साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूथ के लिए, अपने इलाके के लिए, हर सब के लिए, अपने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये एग्रीकल्चर पेशा है, इसके ऊपर सब लोगों को देखना चाहिए, कमाई करनी चाहिए और जिम्मेदारी करनी चाहिए। आज आपने यहाँ पे एक आयुष जेएन के आयुष की तरफ से एक मेडिकल कैंप भी लगाया है, इसके बारे में आपका क्या? शुक्रिया जनाब आपका बहुत बड़ा। ये आज हमने प्रोग्राम रखा है, हमारा एक दंगल था, उसमें हमने आयुष डिपार्टमेंट को हमने बुलाया कि मेडिसिन जो जितने भी है आज ये लोगों को आज तकसीम किया जाएगा। ये बहुत बड़ा हमारा आज प्रोग्राम है और जलसा का भी है यहाँ पे। तो मैंने इस पूरी टीम को आज से 8 दिन पहले इनको कहा था कि ये आपने पंचायत कहना है ये देरियाँ कंस्टिट्यूंसी डूंगी के अंदर जो ये प्रोग्राम आज रखाया हमने, तो मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ा प्रोग्राम है और आज इस डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी मैं वेलकम करता हूँ कि इन्होंने आज बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे हमारा चलाना है। हर आदमी को ये जो ऐड में रखी है, एक एक ऐड में हर इंसान को ये हर व्यक्ति को मिलेगी, तो मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया बाद आपने फ्री ऑफ कास्ट करवाई, फ्री ऑफ कास्ट पब्लिक के लिए और पूरी आवाम के लिए, पूरी आवाम की सेवा के लिए और पूरी जहाँ पूरी मेरी कंस्टिट्यूंसी डूंगी और डिस्ट्रिक्ट रजौरी के जितने भी यहाँ पर लोग मेरे इस दंगल के जो अंदर आए हैं और इस प्रोग्राम के बीच में जलसा गाह में और ये मेरा जो दंगल है आज इसके बीच में जितना भी आज पूरी आवाम है और पूरी आवाम को ये दवाई जो है फ्री ऑफ कास्ट इस डिपार्टमेंट की तरफ से और हमारी तरफ से लोगों को जो है हम आज ये दे रहे हैं। और मैं डायरेक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो हैं तो उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं हम कि उन्होंने आज बहुत बड़ा हमारा ये प्रोग्राम जो आज रखवाया है। और मुझे लगता है कि आज की इनकी जो टीम है ये मुकम्मल तौर से आज ये मजबूती तरीके से ही आज दवाई बांटेंगे और मुझे लगता है कि कोई भी आदमी खाली नहीं जाएगा जितने मेरे इस दंगल के अंदर और इस प्रोग्राम के अंदर और इस जलसा गाह के अंदर हैं। और जो एम्बुलेंस थी हमारी, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज हमारी ये एम्बुलेंस डूंगी के जो डायरेक्टर साहब ने वहाँ से भेजी, मैंने उनको कॉल की तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एम्बुलेंस को देखिए इसकी मेंटेनेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए इसके लिए हम बात करेंगे जनाब, हम इसके लिए मैं DDC हूँ और मैं ही इनके साथ बैठ के वो डिस्कस करेंगे इस बारे में। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी इतने दिनों से ये गाड़ी में आप ऐसे आयुष के मेडिकल कैंप लगाते रहेंगे। बिल्कुल जनाब, हर वक्त हम लोगों की सेवा में रहेंगे और पूरी आवाम की सेवा में रहेंगे। तो इंशाल्लाह पूरा मतलब मुझे यकीन है कि आज ये दवाई जो है ये जो हमारी पूरी लोगों में तकसीम होनी है, तो मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया बताऊँ आज कितनी पब्लिक यहाँ पे होगी आपके अंदाज़े? देखो जी अभी तो स्टार्ट है, अभी तो आपके सामने आया हमारा जो जलसा गाह आज जो हमारा दंगल है यहाँ पे, मैंने बैलून की फुल रेस का जो प्रोग्राम रखा है तो उसी के लिए तो दुनिया तो मुझे लगता है कि वो तो आप ही खुद बताएंगे, मुझे लगता है कि 20,000 से कम नहीं होगा। आयुष के जो डॉक्टर गुलजार जी हेड है और इनकी टीम हमारे साथ मौजूद है, हम डॉक्टर गुलजार जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बताएं आज जो ये कैंप लगाया है ये किस बेस पे लगाया गया? देखो ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर जनाब मोहन सिंह जी और हमारे डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर की गाइडलाइन के मुताबिक ये पूरे J&K में आयुष अवेयरनेस कैंप काम मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम चल रहा है पिछले 3 साल से। उसी सिलसिले में ये DDC साहब जो कि पंचायत डूंगी के DDC हैं, इन्होंने ब्लॉक डूंगी के ये DDC हैं, इन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे पब्लिक रैली हो रही है, इनका कोई दंगल है बैलू का, कोई यहाँ के परंपरा है यहाँ के इलाके की और ये साफ करवा रहे हैं, तो यहाँ पे तकरीबन जैसे उन्होंने बताया 20,000, तो मैं भी ये समझता हूँ कि लगभग 20,000 के लोग पब्लिक हैं यहाँ। हम जो मेडिसिन लाए तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि 2,000 पब्लिक हमसे बेनिफिट होगी यहाँ। मेरे स्टाफ भी मेरे साथ खड़ा है और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने आज संडे के दिन भी
कौम की खिदमत करने का मौका हमें फराहम किया। ये सब मेडिसिन जो है फ्री ऑफ कास्ट दी जाती है और इन मेडिसिन से लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपके पास कौन कौन सी मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल है? जैसे हमारे पास है यहाँ पे आयुष कवात है, आयुष 64 है, त्रिफला चूर्ण है, त्रिफला गूगल है, डेक्सोरेंज है और जीव कैप्सूल है, कफ्सू है, शरबत उनाब हैं, तो शरबत बुजूरी हैं, कवात हैं, तो इस तरीके से क्रश बीपीएच है, स्टोमेड टेबलेट है, अच्छा उसके बाद कैल्सीफिरोल है, ये आर्थोजेसिक हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये आनु तेल है, महामशा तेल है, महानारायण तेल है, जो कि लोगों को लोकली एप्लीकेशन करके लोगों के जो जोड़ों में दर्द होता है वो यहाँ के लोगों में ज़्यादा जोड़ों में दर्द है और ये रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, लोगों को खांसी वगैरह है तो उसके हिसाब से हम लाएँ। जैसे धन्वंतरी तेल है हमारे पास और हमारे पास ये है क्या बोलते हैं आप, चमनप्राश है, इसमें इम्यूनो बूस्टिंग मेडिसिन भी है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे पास मेडिसिन है, जो कि हम आज फ्री ऑफ कास्ट सुबह से तकरीबन 200 बंदे ने हमसे ले ली है और हम शाम तक हैं, जब तक इनका ये प्रोग्राम चलेगा हम साथ में देखो कितना लोग फ़ायदा उठाते हैं। जो आपके पास ये मेडिसिन है इससे क्या जो कोविड की एक लहर चली थी उसमें बेनिफिट है ये मेडिसिन? जी हाँ, मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि आयुष जे एंड के आयुष ने, आयुष डिपार्टमेंट ने कोविड में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जहाँ भी कोविड ड्यूट के लिए ज़रूरत थी तो वहाँ पे फार फ्लंग एरिया में हमारे लोगों ने खिदमत की है। और ये इन मेडिसिन का, जैसे ये आयुष कुवात है, ये अम्यूनो बूस्टिंग मेडिसिन है, इसको कावे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और ये करवाया गया है लोगों को और इससे आरटीआई जो है वो सब ठीक हो जाता है, चेस्ट साफ़ हो जाती है और इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। बाकी इसी तरीके से ये है आयुष 64, ये अम्यूनो बूस्टिंग मेडिसिन है हमारे पास, जो कि फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट ऑफ जे एंड के ने, यूटी ने हमें प्रोवाइड किया है थ्रू डायरेक्टर आयुष जम्मू कश्मीर।